नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायने में अलग है। इस बार कई सारे गठबंधन चुनावी मैदान में हैं, तो साथ ही साथ जनता भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है। खासकर कंफ्यूजन बीजेपी और एलजेपी को लेकर है, क्योंकि भले ही दोनों की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा हो कि एक दूसरे से कोई नाता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का नाम दोनों ही की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के इस पूरे वीडियो में हम इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर ये कौन सा खेल चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है। और इस चर्चा में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं और उन्हीं से एक एक करके सारे सवाल हम पूछेंगे। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी मैं कि बीजेपी और एलजेपी को लेकर जो ये कंफ्यूजन चल रहा है, भले बीजेपी कह रही है कि एलजेपी बी टीम नहीं है, लेकिन फिर भी नारेबाजी नरेंद्र मोदी के नाम पर। देखिए सिप्रा, पहले तो एक भूल सुधार कर दें आपकी जी। आपने कहा कि बीजेपी एलजेपी दोनों कह रहे हैं कि हमें रिश्ता नहीं है। बीजेपी ने जरूर कहना शुरू किया है कि एलजेपी से रिश्ता चुनावी नहीं है जी। एलजेपी तो अब भी कह रही है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन इस कारण जो भ्रम की स्थिति बिहार में है, उसे दूर करने की कोशिश बीजेपी अब कर रही है। सुशील कुमार मोदी बिहार में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं, तो सुशील कुमार मोदी ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, कि देखिए हमारे भीतर हमारी ओर से कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह कहा जाना बिल्कुल ही गलत है कि एलजेपी बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में बीजेपी की बी टीम है। कतई बीजेपी की बी टीम नहीं है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हम और बीआईपी ही हैं। तो बीजेपी अब यह दूर करने का प्रयास कर रही है हर प्लेटफॉर्म से कि हम एलजेपी के साथ नहीं है, तो सुशील कुमार मोदी ने कह दिया। और सुशील कुमार मोदी ने कहाँ कहा, तो देखिए सुशील कुमार मोदी ने देश की एक बड़ी वेबसाइट है डिप्रेंट, उनके साथ इंटरव्यू किया है और उसमें यह बात कही है। इसके साथ ही देखिए सुशील कुमार मोदी को नीतीश कुमार की नज़दीकियों के कारण भी जाना जाता है और आरोप भी लगते हैं कि वे बीजेपी में नीतीश कुमार के आदमी हैं। देखिए दोनों के संबंध, दोनों के रिश्ते बिल्कुल मैच करते हैं। तो सुशील कुमार मोदी ने यह कहा कि देखिए एलजेपी ने जो पैंतरा लिया है और जिस तरीके से मैदान में उम्मीदवार उतारे हैं, सब कुछ के बावजूद उनकी हैसियत चुनावी मैदान में, ये सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि एलजेपी के उम्मीदवारों की हैसियत निर्दलीय उम्मीदवारों से अधिक नहीं होने जा रही है। तो ये सुशील मोदी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि आप सभी या जो लोग समझ रहे हैं कि बहुत वजन है, तो वजन की बात नहीं है। सुशील मोदी यह भी कह रहे हैं कि देखिए इस बार कई मोर्चे पर चुनाव हो रहा है। वे उपेंद्र कुशवाहा का भी जिक्र कर रहे हैं, रालोसपा का और उनके गठबंधन का। वे कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा जाति के और सवर्ण जाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं, उनके कारण भी एनडीए का कुछ खेल प्रभावित हो सकता है। लेकिन ठीक इसी प्रकार से पप्पू यादव ने भी एक मोर्चा बना रखा है, वे महागठबंधन का खेल बिगाड़ रहे हैं। तो कई मोर्चों पर लड़ाई जारी है, लेकिन इन सब के बावजूद सुशील कुमार मोदी साफ साफ कहते हैं कि बिहार में एनडीए मतलब बीजेपी, जेडीयू, हम और बीआईपी बहुमत प्राप्त कर लेगा और सरकार बनेगी। एलजेपी की कहीं कोई जरूरत नहीं होगी, एलजेपी का नामो निशान नहीं होगा। बिल्कुल, फिलहाल सुशील मोदी लेकिन ऐसा कह रहे हैं और बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन क्या लगता है, अगर मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन आए कि रिजल्ट में जेडीयू को कम सीटें आए, तो फिर क्या लगता है, फिर भी बीजेपी की तरफ से या कि एनडीए की तरफ से सीएम नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे? देखिए बिल्कुल सही सवाल आपने किया और इस सवाल का जवाब भी सुशील मोदी ने अपने इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि देखिए यह बात बिल्कुल गलत है, प्रचार निराधार है कि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो नीतीश कुमार का कद घटाना चाहती है। वो कह रहे हैं, सुशील मोदी कह रहे हैं, आखिर कद क्यों घटाएं? क्योंकि यह बात पहले से तय हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्तर पर कि सीटें चाहे जो भी हों, कोई अधिक हो कोई कम हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये बात बीजेपी अब स्पष्ट कर रही है, सुशील मोदी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बात पर सहमति नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लेवल पर बन चुकी है और इसकी घोषणा हो चुकी है। तो ऐसे में हमें
जदयू को नुकसान पहुंचाने से या भाजपा को नुकसान पहुंचाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, और ये सारे कन्फ्यूजन्स तब दूर हो जाएंगे जब बिहार में चुनावी सभाओं में, एक्चुअल चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ दिखेंगे। दोनों मिलकर करीब दर्जन भर चुनावी सभाएं करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एकजुटता जो है उन लोगों की तरफ से दिखाने की कोशिश की गई होगी। लेकिन इसके अलावा मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आखिर चिराग पासवान के स्टैंड के पीछे बीजेपी नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, तो फिर क्या लगता है कि ये कहां से ये सब कुछ शुरू हो पाया? देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि चिराग पासवान के स्टैंड के पीछे बीजेपी ही है और पूरे खेल के पीछे। बिल्कुल, लेकिन सुशील कुमार मोदी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा प्रचार जो है वो दुष्प्रचार है और यह आरोप निराधार है। उन्हों जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि भाजपा नेताओं की अनदेखी ने चिराग पासवान के गुस्से को या इस क्राइसिस को जन्म दिया, तो सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। चिराग पासवान के साथ सीट शेयरिंग की बात चल रही थी और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के लिए तो भाजपा अपने कोटे से भी सीटें छोड़ने को तैयार थी, लेकिन चिराग पासवान मान नहीं रहे थे। इधर बातचीत चल रही थी और उधर लोजपा की ओर से गैर जिम्मेदाराना बयान, जिससे एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंच रहा था, वह लगातार दिया जा रहा था। तो सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि यदि रामविलास पासवान स्वस्थ होते, अब तो है नहीं जी जी, और बातचीत में हिस्सा ले रहे होते तो यह संकट होता ही नहीं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा सिप्रा, मैंने कल ही चिराग पासवान से मुलाकात की थी और चिराग पासवान ने अपने साक्षात्कार में कहा कि एकला चलो की राह पकड़ने के लिए उन्हें रामविलास पासवान नहीं कहा था, और रामविलास पासवान ने यह कहा था कि चिराग यदि तुम एकला नहीं चले, तुम इस बार पीछे छूट गए, संघर्ष की राह नहीं पकड़ी, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए तो इसके जिम्मेदार तुम भी होगे। तो सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि रामविलास पासवान होते तो ये क्राइसिस नहीं होता, लेकिन चिराग दूसरी बात कर रहे थे। तो ऐसी सूरत में मोदी ने यह भी कहा कि हम तो भाजपा अपनी सीटें देने को तैयार थी, लेकिन उनकी पार्टी की ओर से गैर जिम्मेदाराना बयान चल रहा था, इसलिए सब कुछ। तो कहीं ना कहीं सुशील मोदी ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एलजेपी के पीछे बीजेपी नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं भी है तो ये जो भ्रम फैल रहा है इसका आखिर क्या होगा, कैसे इसको टैकल किया जाएगा? देखिए, अब तो ग्राउंड जीरो पर टैकल करना है। सुशील कुमार मोदी इस प्रश्न का भी जवाब दे रहे हैं। सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि देखिए, हमारे जो नेता एलजेपी कैंडिडेट बनकर, मतलब रिवेल होकर, बागी होकर प्रत्याशी बन गए हैं एलजेपी के, चिराग पासवान की पार्टी के, तो हमने उन्हें, मतलब बीजेपी ने उन्हें पार्टी से एक्सपेल्ड कर दिया है, निकाल दिया है, तो अब यह संदेश जाने लगा है कि भाजपा साथ नहीं है, भाजपा का स्टैंड करा है। दूसरा, वे कह रहे हैं कि हम और हमारे नेता जो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है। तीसरी बात जो सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि यदि हम साथ होते तो हम, मतलब बीजेपी, वहाँ जहाँ एलजेपी के सिटिंग उम्मीदवार हैं, जीते हुए विधायक हैं, गोविंदगंज और लालगंज का जिक्र वे करना चाहते हैं, वहाँ भी हम उम्मीदवार दिए हुए हैं, मतलब एलजेपी के सिटिंग एमएलएस के खिलाफ भी बीजेपी ने भी उम्मीदवार दिया है, तो फिर हमारे रिश्ते कैसे हैं? तो यह समझ में आ गया है लोगों को। और जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की संयुक्त रैली होगी तो सब लोग समझ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। हम वहाँ भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं जहाँ जेडीयू के प्रत्याशी हैं, और जेडीयू के लीडर्स वहाँ भी प्रचार कर रहे हैं जहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो एलजेपी को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी। वही अगला सवाल मेरा ये है कि आखिर बिहार में इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें जनता भी काफी ज्यादा जागरूक है और जो सरकार अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं हर जगह हमने देखा है कि लोगों में थोड़ा गुस्सा भी है। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार कोई एंटी इनकम्बेंसी आपको दिख रही है इस बार चुनाव में? देखिए, सुशील कुमार मोदी इस प्रश्न का भी जवाब देते हैं। अब ये बीजेपी के लीडर हैं, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार के हिस्सा हैं, तो वे तो मानेंगे नहीं। वे तो कह रहे हैं कि विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। विपक्ष ने मुद्दा बनाने की ये कोशिश की कि प्रवासी मजदूरों को, नीतीश कुमार प्रवासी शब्द नहीं कहते हैं, उन्हें बिहार लौटने में क्या परेशानी हुई, बिहार लौटने के बाद क्या परेशानी हुई, तो विपक्ष ने इससे मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष नाकाम रहा। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मंगलवार को वे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार को गए थे और वहाँ चुनाव कौन लड़ रहे हैं, महागठबंधन से,
राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भीड़ से ये कहा कि क्या आप कोविड के मद्देनज़र सरकार ने गरीबों के लिए जो व्यवस्था की, जो मुफ्त खाद्यान्न देने की व्यवस्था की, उससे क्या आप संतुष्ट हैं। तो सुशील कुमार मोदी का ये दावा है कि जब उन्होंने लोगों को हाथ उठाने को कहा तो सबों ने हाथ उठा लिया, ये सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं। तो उनका कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं है, सरकार के काम से लोग संतुष्ट हैं और हम चुनाव प्रचार के दौरान सरकार की उपलब्धियां रख रहे हैं। बसपा मतलब बिजली सड़क पानी की आपूर्ति पर खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सरकार की तरफ से उपलब्धियां गिनाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो बेरोजगारी का मुद्दा है और युवा इस बार निर्णायक भूमिका में होंगे इस बार के चुनाव में, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने उस मुद्दे को उठा लिया है और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर जैसी उनकी सरकार आती है तो 10 लाख युवाओं को वो रोजगार देंगे, इस पर बीजेपी के क्या कुछ राय? बिल्कुल सही सवाल किया आपने सिप्रा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट और पहले कलम से 10 लाख बहाली, ये कैसे हो पाएगा, रोड मैप क्या है, ये तेजस्वी यादव को पता होगा। लेकिन सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि राजद बेरोजगारी का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा है, ये पिछले 50 वर्षों का मुद्दा है, लेकिन तेजस्वी यादव इससे जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। वे यह मानने को तैयार नहीं, सुशील कुमार मोदी यह मानने को तैयार नहीं कि पहली कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है। और सुशील कुमार मोदी इसके साथ ही कहते हैं कि तेजस्वी यादव की कच्ची राजनीति का, उन्होंने गलत चुनावी रणनीति अख्तियार कर ली है और इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ ही देखिए सुशील कुमार मोदी इस बात को भी लेकर आरजेडी पर हमलावर हैं कि आरजेडी ने कई अपराधी या उनकी पत्नियों को टिकट दे दिया है, एक दो जगहों पर तो सीधे उसने अपराधियों को ही टिकट दे दिया है। तो सुशील कुमार मोदी यह इशारा करना चाहते हैं, लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि बिहार उन काले दिनों को याद करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहता है जब उनके माता पिता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, ये सुशील कुमार मोदी के शब्द। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सुशील कुमार मोदी के इस पूरे इंटरव्यू से हम यही समझ सकते हैं कि एलजेपी के को लेकर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो भी इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है, यानी कि जो एनडीए है उसमें सिर्फ और सिर्फ जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी है, इसके अलावा कोई और नहीं है। इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी कहीं ना कहीं तरीके से निशाना साध लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।